वैसे गलत टाइम पे आ गए हैं। मैं तो सही टाइम पे आया हूँ यार, क्यों ये कोई तरीका है मेरा हिस्सा? बस ने मैं तो जहाँ से आई हूँ ना वहाँ हिस्सा का खाना नहीं मिलता। मैंने लोगों को बताया तुम आयरलैंड में होती हो, तुम जैसी बातें कर रही हो ऐसे लगे तुम अफ्रीका से आ रही हो। अभी बाइक की आवाज आई थी, इस वक्त बाहर देख रहे हैं दरवाजा खोल के। इस वक्त हमारे घर में जिन्नात का कब्जा होता है, वो ही खा गए हैं। हाँ जी, ये देखें आज का प्रोजेक्ट ये था, ये मसाला कंप्लीट कर लिया, अभी इनकी प्रॉपर जगह बनवाऊंगा। तो फिर हमारा हिस्सा भी ले आती ना, है ना? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजीबुल्लाह खान, चले शुरू करते हैं नेक्स्ट व्लॉग। ये देखें नाज़रीन, अभी अम्मी जान के कमरे में एंटर हुआ तो इधर पार्टी हो रही थी चोरी चोरी। ये माँ बेटी जो है ना, ये मिलके बेटे को बगैर इतला दिए, ये दावत आप खाए थे, आप दावत खाए थे, बारबेक्यू खा रहे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारा दोबारा दिल नहीं कर सकता चार पांच दिन बाद। सच बताओ मेरी किस्मत में भी लिखा होगा वरना छापा मार। मेरा भी तो छापा ही है। वैसे गलत टाइम पे आ गए हैं। मैं तो सही टाइम पे आया हूँ यार, क्यों ये कोई तरीका है मेरा हिस्सा? कोई बात नहीं अम्मी, आपने फिर उस दावत में नहीं दूसरी दावत पे गई थी ना, आप आखिर वहाँ भी तो खाते हैं। वो मैंने गई तो खाया वहाँ तो कल, नहीं वही बात है, वहाँ बंदा नहीं खा सकता, शादी का खाना खा रहे हैं। तो फिर हमारा हिस्सा भी ले आती ना, है ना? चलो क्या बात में करते हैं, शॉपर में डाल शॉपर में डाल के ले आती है ना। मैं सही टाइम पे हूँ, ऐसे है बहुत मजे के, मजे के, मजे के। चोरी करने लगा मैं, ये लो आप खाएं, ये लो बस, आप लोगों ने नहीं लेना। देखा नाजरीन, इसको कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये तो है, सही कह रहे हो। अचानक छापा मारा, बारबेक्यू मिल गया। शक्कर खोरे को अल्लाह ताला शक्कर दे। वाह जी वाह, मौज लग गई। अम्मी ने देखा है उनको तरस आ गया बेचारे मेरे जैसे कमजोर बंदे पे और अपनी बेटी पे, कितने शौक से खा रहे हैं। उन्होंने आधा स्टोर किया हुआ था, वो भी अभी दोबारा निकाल के लाई है गर्म करके, तो हम दोबारा शुरू होने लगे हैं। हाँ जी अम्मी जान, ये बोटी मैंने उठा ली। आप एंजॉय करें, आप भी हाँ भी खा ले थोड़ा सा, कुछ वैसे कल ज्यादा ना खाना, हमें ज्यादा ना खाना, थोड़ा सा खाना कल कल मंगा लेते हैं। वैसे ऐसी कौन सी बात है, आप कहें हम हाजिर हैं जनाब। अब हुक्म तो करें इसके साथ भाई, आप चाय बना के देंगे आप? मैं इसके साथ चाय नहीं पीते। मिर्ची ज्यादा लगती है। नहीं बना दूंगा, बना लेंगे उसका भी बंदोबस्त है, कोल्ड ड्रिंक हो जाए। वो भी आपने चुपाई भी कोई? बिल्कुल मैंने भी नहीं। वाह जी वाह, निकालें अभी ईद हो गई है, मेरा मियाँ रह गया बेचारा। तेरा मियाँ भी कोटा पूरा कर रहा होगा कहीं ना कहीं, खाते पीते घर गए हैं, खाएंगे तो सही। हर वक्त ही हम कुछ ना कुछ खा ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं, कोई नहीं हम इसके पास। अच्छा मैं सच में उतरते ही अम्मी से मैंने कहा मुझे भूख लगी है, मैं ऊपर था ना, मुझे खुशबू आ गई ऐसे ही, मैंने छिट्टी ने कहा कैमरा उठा नीचे चल। कुछ और है, नीचे कुछ और है, कोई एक्टिविटी चल रही है। सही टाइम पे आया, जाने जाने पे लिखता होता है, मजे का बहुत मजे का है खाने वाले का नाम। आप उसकी बात है ना जी, बहुत मजे के बनाता है ये भी। अच्छा सलमान बहुत अच्छे बनाता था, सादिया ने भी बहुत अच्छा, भी बहुत अच्छा। अब ये माशाल्लाह जी बहुत अच्छे बनाता है। हम लोग जो घर में तो मेरे भूल गई है वरदा, हाँ तो करवाए ना यार। अच्छा करते हैं कुछ। हाँ जी ये भी खत्म हो गया, कोई ऐसी चीज नहीं जो ना खत्म हो। वो इंशाल्लाह जन्नत में ऐसा होगा जो हम सोचेंगे हमारे सामने आ जाएगा। वहाँ तो पेट भी नहीं भरेगा, खाते रहो खाते रहो, तो बदहजमी भी नहीं होगी। मैं और वरदा बैठ के एक साइड पे अपने अंबार मंगवा के खा रहे हूँ, बदहजमी भी नहीं होगी वहाँ पे। हर चीज ट्राई करेंगे, बुफे लगा होगा ना वहाँ। ये जी कोई रात का इस वक्त खाने का सीन है, माल अभी बाहर ही है, मौसम चेंज हो रहा है और अभी हमें खास मिशन पे जा रहे हैं। मैं एहसन और उस्मान, चलो जी ये था हमारा मिशन, खरगोशों का जोड़ा लेने गए थे कहीं से और अब इसको घर ले जाते हैं और इसको छोड़ते हैं। ये हम मिशन कंप्लीट करते हैं। क्यों सेक्रेटरी एहसन, आपको भी खरगोशों के साथ बंद कर दूंगा। हाँ जी ये देखें आज का प्रोजेक्ट ये था, ये मसाला कंप्लीट कर लिया, अभी इनकी प्रॉपर जगह बनवाऊंगा। दो छोटे बच्चे और दो बड़े बच्चे लेके आए हैं खरगोशों के, अभी इनको घास घास डाल दिया है और
उन्होंने घास खाना शुरू कर दिया अपना। ये जी रात के 1:12 पे आपको पता है फिर हमारा तो कारोबार ही खाने का है। ये कश्मीरी नान है मीठे, ये चिकन टिक्का नान है, ये मलाई बोटी है और हम तीन बेटू, एक ये और एक मेरी सिस्टर और ये साथ गरम गरम दूध पत्ती। तो हमारी पार्टी शुरू हो रही है। ये मलाई बोटी इतनी आला होती है ना इसकी डेरा गार्डन की कि मज़ा आ जाता है। बेहतरीन, वाकई बेहतरीन। मैं दोनों डॉक्टरान से पूछ रहा था कि जिस हिसाब से मसलाम खाते हैं, अगर तुम लोग डॉक्टर ना होते तो तुम तो इससे ज़्यादा खा रहे होते। कमेंट्स प्लीज। मैं अगर डॉक्टर ना होता ना मैं शेफ होता, तो फिर लोगों को बना के कम देता तो खाता ज्यादा है। मैं फिर तो लोगों को कम बना के देता, खुद ज्यादा खाता। तो अपने लिए बनाता हूं। अच्छा, अपना शेफ होता। अब हमें छापा मारनी, आ जाए आ जाए। मैं फूर तो हमने छापा मारा था, मैं से पूछ रहा था ये माशाल्लाह डॉक्टर हैं तो ये मेरी तरह खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ना होते तो मुझसे डबल खाता ही है। मैंने लोगों को बताया तुम आयरलैंड में होती, तुम जैसी बातें कर रही हो ऐसे लगे तुम अफ्रीका से आ रही हो। हाँ जी, कैसा है खाना डॉक्टर साहब? आयरलैंड में आप सोच सकती हैं ऐसे खाने का? बिल्कुल भी नहीं, और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पाप भी खुले होते होंगे। 6-7 बजे सब बंद हो जाता है। ये जी नमकीन के बाद मेरा मीठा टाइम शुरू हो गया। ये देखिए ये होता है ना कश्मीरी नान, इसमें ये किशमिश है, ये कोई बादाम है, ये पिस्ते हैं, इस तरह इनके अंदर खोया भी भरा हुआ होता है। तो ये होते हैं मीठे इनके, तो ये स्वीट डिश है। हाँ जी माशाल्लाह, पार्टी इज ओवर, प्लेट खाली, ये खाली, ये बच के भी हमारे सदा खाली हो जाएगा। खाली चल रहा है, पता नहीं कहाँ गई हैं ये चीज़ें सारी, हमने तो खाई नहीं है। जिन खा गए हैं इस वक्त हमारे घर में जिन्नात का कब्जा होता है, वो ही खा गए हैं। अभी बाइक की आवाज़ आई थी, इस वक्त बाहर देख रहे हैं दरवाज़ा खोल के।